हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और ये दोपहर में खाना बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन रेस्ट करने के बाद अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। तो मैंने सोचा, लाओ मम्मी मैं दोपहर का खाना बना देती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने मायके में ही हूँ। तो ये दोपहर में आज मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। तो मुझे थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी, तो देखिए बहन साइड में बोली कि फ़ैन लगा लो। वैसे तो एग्जॉस्ट भी है, साथ में एक छोटा सा फ़ैन भी है, कि अगर हमें किचन में अगर गर्मी लगती है तो हम वो फ़ैन लगा देते हैं। तो उसके बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी छौंक दी, क्योंकि बिस्तर पे बैठे बैठे मेरा भी मन थोड़ा सा मतलब कि परेशान था। वही बात है ना, कि जो इंसान काम करने वाला हो और वो बिस्तर पे लेट जाए तो बस फिर उसका मन नहीं लगता। तो मेरी भी यही हालत हो रही थी। उसके बाद देखिए वाटर कूलर में फिर पानी भर के रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम आइस डाल देते हैं तो फिर सारे दिन इसको यूज़ कर सकते। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये टाइम है दोपहर का और हमने जो है अभी दोपहर के खाने की तैयारी करी है। और फ्रेंड्स, मैं अभी अपनी मम्मी के घर पर ही हूँ और अभी कोई बातचीत उनसे नहीं हो पाई है। और अभी परेशान तो हुई, क्योंकि मेरी तरफ जब कोई ध्यान नहीं देगा तो परेशानी तो होगी ही। और आज मैंने जो है थोड़ी सी शिकायत की है किसी से। अभी तक तो मैं चुप थी, सोच रही थी कि वो खुद ही आए, फ़ोन करें या मुझसे कोई बात करें घर आकर, क्योंकि मेरा घर भी उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से आ सकते हैं वो, पर वो नहीं आए। तो आज मैंने सुबह में जो एक बड़े अंकल जी हैं जिन्होंने हमारी शादी कराई थी, तो मैंने उनसे अपनी बात की है और इनकी शिकायत की है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा है कि देखो, मैं शाम को घर जाऊँगा और उनसे और उनकी फैमिली से बात करूँगा, देखो क्या सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि उसके बाद आएगा जो नेक्स्ट स्टेप मैं तभी लूँगी, थोड़ा बहुत मुझे पता चल जाए कि जो भी ये मामला है किस तरफ झुक रहा है। क्योंकि मैं भी फ्रेंड्स कुछ भी ख़राब करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ख़राब करने का मतलब है फिर ख़राब ही हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर मुझे लगेगा कि हाँ सुधरने की तरफ है तो मैं सुधारने की ही कोशिश करूँगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये मेरी छोटी बहन है जो चावल को धो रही है, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, बस थोड़ा सा ही काम उसने करने दिया कि बोली तो हट जा, फिर परेशानी हो जाएगी, तो फिर तो तुम थोड़ा सा ही कर लो, बाकी मैं कर लूँगी। तो उसने थोड़ा सा बाकी का काम कर दिया था, जैसे कि चावल धोना। और उसके बाद वो फिर वॉशिंग मशीन का कुछ काम करने लगी थी, और मैंने देखा था कि भगोने में जो है पतीले में पानी खोल रहा था, तो मैंने उसमें फटाफट चावल डाल दिए, क्योंकि दोपहर में खाने का समय भी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा सबको भूख लग जाएगी और खाने की फिर ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, लाइफ अभी ऐसे ही चल रही है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए और आप लोगों का सपोर्ट भी बना